श्री गुरु तारण चरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा रचित श्री भय कृष्ण कमल पांच अपने ममल कमल स्वभाव की साधना निरंतर आगे बढ़ते हुए गुरु महाराज अपने अंतर के आनंद की निरंतर वृद्धिगत होती हुई अनुभूतियों का आनंद ले रहे हैं। क्या सीमा खुलना है ये डोर नहीं फूलना, हृदय में डोर बांधो, सिद्ध है वही मैं हूँ वही सिद्ध स्वभाव अंतर में प्रकट हुआ है, इसकी मैं संयुक्त रहा ऐसी डोर बांधो ये डोर नहीं। Yeah.
Amen.
दीने कमल है कमल कलन दीन हो तू ही है जो रेनी
कमल को। दीप्ति विवान, दृष्टि विवान, शब्द विवान, प्रिय विवान और उत्पन्न शाह विवान, ऐसे पांच विवान का पूर्णा में कथन है। और गुरुदेव पांच विवान के माध्यम से अपने हृदय में दूर अपने स्वस्वरूप की बनाए हुए हैं। ममल ममल स्वभाव, शुद्ध स्वरूप, परमात्म स्वभाव निरंतर दृष्टि में छू रहा है। यही कारण करण स्वभाव है, यही रत्नत्रय में अपना कमल ममल सत्स्वरूप है। कि जिन स्वभाव की अनुमोदना करो, जिनेन्द्र परमात्मा बार बार यही कह रहे हैं, सहज प्रेम स्वभाव में लीन हो जाओ, शीघ्र समय में सिद्धि की संपत्ति प्राप्त हो जाए। और प्रयास सीमा पूर्णा है, कमजोरी मुक्ति बच्ची है। इस पूर्णा की 25 गाथाओं में गुरु महाराज ने अपने मुक्ति स्वभाव की आराधना की है। मुक्ति स्वभाव को समझोया है, अपने अंतर में ही कलन चरण और रमन के माध्यम से जिन स्वभाव की अनुभूति का आनंद लिया है,
संजोय मुक्ति पति मीनु तमे थी संपत समय तिथि संपत Oh.
सावेरे
चलन रंजो सभी समय सिद्धि संभो अरुण दिनों
करके सरकार आओ ले सुई अर्क कमल कलयन को Thank you.
कारण भावनाओं को भाते हुए अपने ज्ञान दर्शन में इस भाव लीन होने की साधना हृदय में आती है। अपने आत्मस्वरूप के ध्यान में रहकर मुक्ति की संपत्ति को प्राप्त करो। कमल स्वभाव में आत्म चरण रमण कलंक यही मुक्ति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ है।
प्रेम स्वभाव अत्यंत सूक्ष्म है, स्वानुभव गम्य है। इसी सत स्वरूप की अनुभूति में निरंतर नमन करो, अपने पद को अंतर में उत्पन्न करो, ज्ञान स्वभाव की नमनता, यही सिद्धि में गत होना है। ध्यान में लीन होकर श्रेणी आरोहण करो और कारण चरण जिन पद को उपलब्ध हो अपने परम प्रेम स्वभाव की अनुयोजना करने का समय में लीन होने पर सिद्धि की संपत्ति, मुक्ति की संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसी प्रेरणा यहाँ गुरुदेव ने व्यास नंबर के पूरा में दी है। सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो क्रम है साधना का, वह परमेश्वर की भक्ति की तिरासी में पूर्णा से प्रारंभ कर रहे हैं। तिरासी नंबर के पूर्णा में परम इष्ट स्वभाव की आराधना परमेश्वर की भूमिका बनाई है। यहाँ पूर्णा की 32 गाथाओं अपने परमेश्वर के स्वभाव में रमण करने की विशेष साधना है। इसके बाद फिर क्रम से पंच पदवी और परमेश्वर की पद की विशेषताओं को कहें। पदवी के आधार पर क्रमशः उनका स्वरूप और उनके गुणों का कथन करें। यहाँ प्रारंभिक चरण में परमेश्वरी भक्ति की भूमिका के आधार पर पंच परमेश्वरी स्वरूप का कथन किया है, अपने दिन स्वभाव की आराधना की। तिरासीवां पूर्णा परमेश्वरी भक्ति। जिने नाथ अमीने रस सीधि करो,
समय सुई तो दिन बिंद परमेश्वर जो तुम ज्ञान रमन
से मैं तेरे झड़प गलिए सुई धमन कटी तंग तो निरमणी ये यार गमनी उत्पन्न
विलयंदो जिनमल बमल ममल ममल श्री ममल ममल आत्मा का स्वभाव है। पंच परमेष्ठी पद आत्मा के ही पद हैं, आत्मा से कहीं बाहर नहीं होते। श्रम श्रम से आत्म स्वरूप की रमणता की विशिष्ट विशिष्ट अनुभूतियां उत्तरोत्तर ऊंचाइयों की ओर पहुंचाती जाती हैं, और ये पंच पद श्रम श्रम से वृद्धिगत होते जाते हैं। इसी साधना पद्धति से सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। परमे पदे तिष्ठति इति परमेष्ठी इच्छते, ऐसा आचार्यों ने कहा है। जो परम पद में तिष्ठता है उसे परमेष्ठी कहते हैं। ये परम इष्ट पद अपना ही ज्ञानमयी पद है। आचार्य कहते हैं, अनंत ज्ञान का आह्वान करो, अब मुक्ति स्वभाव को देखो, मुक्ति का आह्वान करो, परम इष्ट पद में ठहरो और सिद्धि की संपत्ति की प्राप्त करो। यह अपना परमेष्ठी स्वभाव अर्क स्वरूप उत्पन्न हुआ है, यही समस्त प्रयोजनों का प्रयोजन है। प्रकाशमान केवल ज्ञान स्वभाव अर्क यही इष्ट और प्रयोजन है। अपना कारण करण पद ही इष्ट है, इसकी उत्पत्ति होना ही श्रेष्ठ है, हितकारी है, कल्याणकारी है। इष्ट पद में रहने से मना परिय ज्ञान और क्रम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। अपने अमृतमय स्वरूप में ठहरो, इसी से परमेष्ठी पद सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होगी। 84 नंबर के पुलना से 97 नंबर के पुलना तक परमेष्ठी के गुणों का कथन किया है क्रम क्रम से, और पदवी के आधार पर किया है। जैसे 83 नंबर के पुल्ला में परमेष्ठी 32 ही कहकर इसकी भूमिका बनाई है विषय की। 84 और 85 नंबर के पुल्ला में
ग्यारह अंग चौदह पूर्व उपाध्याय पदवी के 32 गुणों का वर्णन, 86 नंबर के पुल्ला में सम्यक राष्ट्र गुण, 87 में 10 लक्षण धर्म, 88 पुल्ला में तप विशेष 12 प्रकार का तप और 89 में 6 आवश्यक। इस प्रकार 36 गुण आचार्य परमेश्वरी के आचार्य पदवी के अंतर्गत कहे। साधु पदवी में पुलना 90, 91 और 92 दिए, जिसमें सम्यक दर्शन के 10 भेद, ज्ञान रमन पुलना में 5 ज्ञान और 92 नंबर के पुलना में 13 प्रकार का चारित्र, 28 मूल गुण। अरिहंत पदवी में 93, 94, 95 तीन पुलना दिए हैं, जिनमें 34 अतिशय अष्ट प्रातिहारी और अरिहंत सर्वण्य रमन पुलना में 4 अनंत चतुष्टय। इस प्रकार कुल 46 गुणों का उल्लेख है। 96 नंबर के पुलना में सिद्ध 25 ही कहकर सिद्ध के 8 गुणों का उल्लेख किया है और 97 नंबर के पुलना में परमिष्ठी 30 ही करके इस विषय का समापन किया है। इस प्रकार पुलना नंबर 83 से 97 तक परमिष्ठी के गुणों का आराधन है और उनका स्वरूप। यहाँ प्रसंग है प्रथम 11 अंग 14 पूर्व का। भवियन अनुभवे तरण तुरी दिव्यम, भवियन अनुभवे तरण तुरी दिव्यम, समय रयम सहकार
अव्यास ममल पे तम नंत नंत सो जिन रमन पयम भवियन तम शब्द भुवन पे परम पयम शब्द भुवन पे
थिए उन अशब्द मई जिनु उपते शक्ते करुण मज स्वयं भय किए कि तेरे तम अमीय रमन मै दिन पदम कमल दिन सुयम भवियन दिन शब्द दीप्ति दिन ऋषिमयम दृष्टि मै तम दीप्ति दृष्टि दिनो रमन स्वयं दिव्य दृष्टि समय मै शब्द सहज रे दिन गम्य अगम्य दिन मुक्ति जयम भवियन दीप्ति दीप्ति शब्द रे दीप्ति जयम Thank you.
दृष्टि शब्द रस अवध रमन सुई पिति गयम
की पिए मेरे अनमोल तरन गए तम ममल रमनी दिन दिधि जयम तम ममल रमनी दिन दिधि जयम भवियन अनमोल ज्ञान तम दिधि जयम ग्यारह अंग पूर्णा प्रारंभिक पांच गाथाओं में अचरी के साथ साथ अपने करण जिन स्वभाव की अनुमोदना करके सिद्धि को प्राप्त करने की भावना छठवीं गाथा से ग्यारह अंग का कथन एक एक गाथा में अर्थांग जिननाथ स्वभाव में रमण करना ही अर्थांग है। श्रुतांग जिन वचनों में रमण करना ही श्रुतांग है। शब्दांग जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा है उसे अंतर में धारण करना। स्थानांग ज्ञान दर्शन मई अपना स्वयं का स्थान। वै सम अंग अपने ज्ञानमयी पदम कमल स्वभाव में रमण करना। विनय पद अंग परम ज्ञानमयी ममल स्वभाव के प्रति समर्पित होना ज्ञायक रहना। समय अंग अपने स्व समय में रमण करना यही चरण भूत है। अनंतानंत अंग ममल स्वभाव अनंतानंत स्वरूप है। अनंतानंत दीप्ति स्वरूप है में रमना ही अनंतानंद अंग। नंत रंग द्रव्य अनंत गुण पर्यायों का भंडार है। इसके भेद विकल्प तोड़कर अनंत ज्ञान दर्शन मई तीन स्वभाव में रत होना। प्रशम अंग परम समय में ठहरना। और सोलहवीं गाथा में अंतिम शुद्ध समय अंग शुद्ध का सार है अपना स्व समय इसमें तीन होना ही शुद्ध समय अंग है। यही ग्यारह अंग का सार। तुलना 85 14 पूर्व रात जिस प्रकार 84 नंबर के तुलना में 11 अंग का कथन किया है इसी विधि से 85 नंबर के तुलना में 14 पूर्व का कथन किया है। वांछन करें Yeah.
प्रीति सरूपम विज्ञान बिंद सुरयम जम प्रीत्यमान दिन उत्तम तम वयन उत्तिरतम
प्रथम तीन गाथाओं अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना, ज्ञान दर्शन में स्वभाव की स्वानुभूति के रस को संजोने की प्रेरणा और भिन्नार स्वभाव में रमण करके सिद्धि चलने का पुरुषार्थ। चौथी गाथा से 14 पूर्व का कथन। चौथी गाथा में वीरजाम पूर्व एक एक गाथा आगे आगे देखते चले। विश्व पूर्व, अस्ति पूर्व, नास्ति पूर्व, प्रज्ञान पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, अनंत धर्म पूर्व। चौथे चरण में है दसवीं गाथा में समनंत धर्म, अनंत धर्म पूर्व, जम विद्यमान जिनोत्तम विद्यानुवाद पूर्व। अगली गाथा में कल्याण पूर्व, मध्य पद पूर्व, समय पूर्व, मध्य पद अर्थ पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और सत्रहवीं गाथा में लोक बिंदु सार पूर्व। इस प्रकार 14 पूर्व का वर्णन गुरुदेव ने पूर्णा में किया। उपाध्याय पदवी के 25 गुणों का कथन पूर्ण करके आचार्य पदवी के 36 गुणों का प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं। तुलना 86 से सर्वप्रथम सम्यक्त के 8 गुणों का कथन है 86 नंबर के तुलना में। पहले ही देख लें थोड़ा सा ताकि फूलना वांछन करते समय उसका भाव ध्यान में रहे। तीसरी गाथा तक अपने परम स्वभाव में आचरण करने की भावना, अमृत रस में आचरण कर मुक्ति को प्राप्त करने की प्रेरणा, जिन्नाथ स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ। तीसरी गाथा में उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, रत्नत्रय की जय जयकार हो रही है। चौथी गाथा में संवेग, पांचवी गाथा में निर्वेग, छठवीं गाथा में निंदा, सातवीं गाथा में गर्हा, आठवीं गाथा में उपतम, नवीं गाथा में भक्ति, दसवीं गाथा में वात्सल्य और ग्यारहवीं गाथा में अनुकंपा, बारहवीं गाथा में इस प्रकार 8 गुणों में रमण करके जिन्नाथ पद को प्राप्त करो। पूर्णा 86 सम्यक अष्टगुण वांछन।
उपजविंद स्वयं आयरन चरण आयरन स्वयं गिनु आयरन स्वयं गिनु
Thank you.
उत्पन्न समम Ah.
आचार्य परमेश जी के 36 गुणों का सत्संग प्रारंभ करने के संदर्भ में यहाँ गुरुदेव ने सम्यक्त के 8 गुणों का उल्लेख किया है। संवेद, निर्वेद, निंदा, गढ़ा, उपक्रम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा। संवेद गुण के लिए सदगुरु कहते हैं परम जीव स्वभाव का अंतर में उदय हो जाना, परम तत्व का अनुभवन करना, सहज भाव में रहना, भय शल्य शंकाओं का विलय हो जाना, यही संवेद है। निर्वेद पूर्णतया प्रकट, परिपूर्ण व्यक्त अपना ममल जिन स्वभाव, ममल पद है इसी जिन स्वभाव में रमण करना, राग द्वेष गारव और भय का विलय हो जाना, पर पर्याय का विला जाना, मुक्ति पद का उपलब्ध हो जाना निर्वेद गुण है। निंदा जिस अज्ञान के कारण प्रकाशमान स्वभाव में रमण नहीं होता, ऐसे अज्ञानमयी दृष्टि का गल जाना, भय और मिथ्या भावों का छूट जाना, ज्ञान दर्शनमय प्रकाशमान जिन स्वभाव में रमण करना, जन कल मन मोहंद का विलय हो जाना ही निंदा गुण है। गढ़ा अगम स्वभाव को ग्रहण करना, ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करना और ज्ञान पूर्वक चारित्र में रमना, यही गढ़ा है। उपतम संसार के परिभ्रमण का विलय हो जाना, द्वंद स्वभाव में रमना उपतम गुण है। भक्ति भयों का विनाश होकर अपने जिन स्वभाव के प्रति समर्पित होना, ये अर्थमय स्वभाव के प्रति विशिष्ट अनुराग, अमृतमय स्वरूप में रमणता, विषयों का विलय भक्ति गुण है। वात्सल बारंबार अपने जिन स्वभाव की भावना भाना, उसी की इच्छा करना, उसी में रमण करने की भावना करना, ज्ञान विज्ञान ममल स्वभाव में आचरण करना, परम पद की इच्छा करना, प्रीति रखना, यही वात्सल्य गुण है। अनुकंपा अज्ञान का क्षय कर देना ही अनुकंपा है, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना ही अनुकंपा है। प्रकाशमान ज्ञान दर्शन में स्वभाव में रमण करना, ज्ञान दान करना अर्थात अपने आत्म स्वरूप में रहना ही सच्ची अनुकंपा है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी की आत्म साधना है, इसलिए विकल्प नहीं करना कि बहुत ही ऊपर से गुणों का स्वरूप कह दिया है, क्योंकि वे जहां चल रहे हैं वहां बैठकर उन्होंने अपना निर्णय किया है कि अब सामान्य परिभाषाओं से और सामान्य कथन से काम नहीं चलेगा, ये सारे गुण अब स्वरूप में रमने के लिए हैं, और स्वरूप रमणता प्रकट होती है तो सारे गुण हैं और सारी विशेषताएं हैं। इस प्रकार जिन स्वभाव में रमण करना ही 8 अंग हैं, ज्ञान विज्ञान स्वभाव में आचरण करो, दृष्टि को अपने ममल स्वभाव में रखो, ज्ञान भाव में लीन होने पर ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। परम जिन परम स्वयं का ही स्वभाव है, इसमें ही आचरण करो, यही सिद्धि है, यही मुक्ति। इन फूलनाओं के माध्यम से गुरु महाराज ने अपनी आत्म साधना की है, ममल स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ किया है। अपने को भी प्रेरणा है, मार्गदर्शन है, इस देह से भिन्न अरे ही परमात्म स्वरूप की पहचान करें और अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करें, यही श्री गुरु का हम सबको मंगल में समझें।